यार ये बात तो तुम्हें पता ही है कि क्रिकेट और मूवीज का हमारे देश में बहुत तगड़े वाला क्रेज है, मतलब लोग पागल हैं इसके पीछे। और जब ये दोनों साथ में आते हैं ना तो भाई धमाल हो जाता है, डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। फिर चाहे विराट और अनुष्का की जोड़ी की बात हो या फिर MS धोनी मूवी की बात हो, मतलब ब्लॉकबस्टर हिट रहती है भाई साहब। ऐसी एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है बंदों में था दम, आज उसका रिव्यू करेंगे। हाँ यार, आप मूवी रिव्यू के लिए एक सही जगह पर आए हो, क्योंकि यहाँ पर आपका दोस्त ना तो आपका काटेगा और ना ही ज्ञान बांटेगा। तो यार स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है हिट या शिट। देखो यार, तुम चाहे क्रिकेट लवर हो या नहीं हो, तुमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो 2020-21 में हुई थी उसके बारे में जरूर सुना होगा। अब चाहे तुम्हें याद ना हो लेकिन तब तो जरूर सुना होगा, क्योंकि भाई वो सीरीज थी जबरदस्त। मतलब इतनी ज्यादा जबरदस्त जीत हासिल की थी ना भारत ने, मतलब कमाल कर दिया था। अब तुम सोचोगे यार ये कौन सी बड़ी बात होगी, लेकिन भाई वो इतनी बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया में मैच थे, ऑस्ट्रेलिया में भारत ड्रॉ नहीं करा पाती है मैच, वहां पर सीरीज जीत के आई थी और वो भी किन हालातों में जीती थी ना, ये वेब सीरीज देख लो बंदों में था दम, तुम्हें पता लग जाएगा क्या कहानी थी भाई। थोड़ा सा उस सीरीज के बारे में बताता हूं, क्योंकि यार मैं तो क्रिकेट का ना बहुत बड़ा चस्सू हूं। उस सीरीज में पता है क्या हुआ था, पहले टेस्ट मैच में भारत इतनी बुरी तरह हारी थी कि पूरी टीम ना सेकंड इनिंग में सिर्फ 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी, और इतनी किरकिरी हुई थी ना भारत की भाई साहब पूछो मत। मतलब कमेंटेटर भी कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया भी कह रही थी, भारत की मीडिया तो कहती है, और ऑस्ट्रेलिया का जो क्राउड है ना वो तो भाई बहुत ही बुरी करता है प्लेयर्स की, इंडियन प्लेयर्स की तो खास तौर से, तो मतलब बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी। और भाई साहब प्लेयर्स की इतनी बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि क्या है ना ऑस्ट्रेलिया वाले जब बॉल करते हैं तो भाई साहब मारते हैं, वो आउट नहीं करते भाई। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने इतनी जचा जचा के मारी ना प्लेयर्स के, इंडियन प्लेयर्स के, कि बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड हो गए, बहुत सारे मैच नहीं खेल पाए, और लास्ट तक तो ये हाल हो गया था कि बिल्कुल नई टीम सी खेल रही थी, मतलब बैट्समैन भी नए थे, बॉलर तो बिल्कुल ही नए थे। उसमें और ज्यादा क्या हुआ कि विराट कोहली पहले टेस्ट मैच के बाद भारत आ गए वापस, क्योंकि उनकी लड़की पैदा हुई थी, तो वो चाहे सही किया उन्होंने गलत किया वो तो पता नहीं, उस बारे में बात नहीं है। बात है उसके बाद कप्तान बने अजिंक्य रहाणे, और भाई साहब उन्होंने पता नहीं क्या तो टीम को चूरण खिलाया, मतलब कि टीम ऐसे खेली ना फिर भाई कमाल का खेली भाई साहब, मतलब 3 टेस्ट मैच खेली उनमें से 1 ड्रॉ करा 2 जीते। इस वेब सीरीज में ना भाई उन्हीं मैचों का जिक्र है, उसी सीरीज का जिक्र है, और उसमें डॉक्यूमेंट्री के तरह दिखाया है, मतलब लोगों के इंटरव्यू दिखाए हैं, प्लेयर्स के इंटरव्यू दिखाए हैं, कमेंटेटर्स के इंटरव्यू दिखाए हैं, मतलब दिखाया है कि कैसे पिविलियन में जो ड्रेसिंग रूम होता है उनका, प्लेयर्स का कितना प्रेशर था उनके ऊपर, फील्ड में कितना प्रेशर था, मीडिया कैसे उनकी बुरी कर रही थी और इंडियन मीडिया कैसे बुरी कर रही थी, और उसके बाद उन्होंने तब भी कैसे खेला, कैसे वो जीते भाई साहब, कमाल की स्टोरी है। तो कुल मिला के बताऊं तो भाई मजा आ जाएगा देखना सीरीज को। अगर आप क्रिकेट लवर नहीं हो ना तो आप चौथी सीरीज को जो चौथा एपिसोड है उसे पहले देख लेना, 4 एपिसोड में बनी है क्योंकि 4 ही मैच थे, तो उसे चौथे को पहले देख लोगे तो तुम्हारे में जोश आ जाएगा, तो तुम देखोगे कैसे उन्होंने स्ट्रगल करा था भाई। इसके जो डायरेक्टर है वो है नीरज पांडे, जिन्होंने MS धोनी मूवी जो आई थी उसे भी डायरेक्ट करा था, तो उन्हें पूरा एक्सपीरियंस है क्रिकेट को कैसे दिखाना है पर्दे पे। तो यार मुझे तो भाई साहब बहुत ही तगड़ी लगी ये सीरीज, अगर आपने भी देखी या अगर आप देखेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और तुम्हें क्रिकेट की कसम है भाई साहब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।